नमस्कार, मैं वर्तिका आप सभी का मनोरंजन.com में स्वागत करती हूँ। आज के बुलेटिन में हम आपको मनोरंजन जगत के कुछ ताजा खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोनू सूद की। सोनू सूद हिंदी फिल्मों के अलावा 7 फिल्मों में भी काम करते हैं। वैसे बता दें कि सोनू ने तमिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर उन्होंने तेलुगु फिल्म में काम किया। इसके बाद सोनू ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में सोनू सूद ने शाहिद आजम से हिंदी फिल्मों में एंट्री ली थी। अभी सोनू की कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, जिसमें हिंदी और साउथ दोनों की फिल्में शामिल हैं। इसी बीच अब सोनू ने हिंदी और साउथ फिल्मों को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो वायरल हो रहा है। सोनू ने कहा कि साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने से वह बुरी हिंदी फिल्मों में काम करने से बचते हैं। सोनू ने कहा, मैं हमेशा से अपनी स्क्रिप्ट्स को लेकर चूजी रहा हूँ, चाहे मैं तमिल, तेलुगु या हिंदी फिल्मों में काम करूँ। साउथ फिल्में मुझे बुरी हिंदी फिल्मों को करने से बचाती हैं, नहीं तो ऐसा फेज आता जब आप सिर्फ इसीलिए काम करते हैं कि आपको सिर्फ बड़ी फिल्म में होना होता है, तो साउथ फिल्में मुझे इन सबसे दूर रखती हैं। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट मिल गई है। इसके बाद से ही इंडस्ट्री में खबरें हैं कि अब आर्यन अपनी सीरीज में काम करने के लिए US जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार वो वहां जाकर अपने प्रोजेक्ट को और डेवलप करेंगे। इस शो को खुद आर्यन ने लिखा है और वही इसे डायरेक्ट भी करेंगे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आर्यन की वेब सीरीज को पहले ही एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने अप्रूव कर दिया है। उन्होंने जेल से बाहर आते ही इस सीरीज पर काम करना शुरू कर दिया था। खबरें यह भी हैं कि इसे आर्यन ही डायरेक्ट करेंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले मुंबई में ही उन्होंने एक टेस्ट शूट भी रखा था। इसमें उनके साथ इंडस्ट्री के यंग टैलेंट शामिल थे। अब आर्यन US जाकर वहां के सीनियर राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करेंगे। अब बात करते हैं सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक ने कहा है कि आइकॉनिक फिल्म मिस्टर इंडिया का सीक्वल नहीं चाहते हैं। 1987 में आई अनिल कपूर, श्रीदेवी और अमरीश पुरी स्टारर ये फिल्म उन दिनों ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म को एक क्लासिक मूवी माना जाता है और शेखर कपूर की इस फिल्म में अमरीश पुरी मुकैम्बो नाम के एक विलन के तौर पर नजर आए थे। उन दिनों इस सुपरहिट मूवी को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। सतीश कौशिक ने कहा, सीक्वल हो या रीमेक, मेरी निजी राय ये है कि कुछ फिल्मों को नहीं छेड़ना ही बेहतर होता है। मिस्टर इंडिया भी ऐसी ही फिल्म है जिसकी अपनी फील है और अपना फ्लेवर है। बता दें कि अनिल कपूर जल्द ही फिल्म जुग जुग जियो में काम करते नजर आएंगे। अब बात करते हैं मन्नत की। सुपरस्टार शाहरुख खान का घर अब सिर्फ घर नहीं है। समंदर किनारे बेहद खूबसूरत लोकेशन में बना शाहरुख खान का ये सपनों का आलीशान एक टूरिस्ट स्पॉट और लैंडमार्क बन चुका है। लोग अक्सर शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होकर तस्वीरें खिंचाते हैं। पिछले दिनों शाहरुख खान के घर के बाहर एक नई नेम प्लेट लगाई गई थी, जिसकी कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही थी। इस नेम प्लेट के साथ लोगों ने खूब तस्वीरें खिंचाईं। हालांकि लोगों का शाहरुख खान के घर के बाहर तस्वीरें खिंचाना लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच शाहरुख खान के घर के बाहर लगाई गई इस आलीशान नेम प्लेट को हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेम प्लेट से एक डायमंड नीचे गिर गया था, जिसके बाद से इसे हटा दिया गया है। अब इसे ठीक करवाने के बाद शायद फिर अपनी जगह पर लगा दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक अपकमिंग फिल्म के बारे में। वीर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी पर प्रोड्यूसर आनंद पंडित, संदीप सिंह और सैम खान ने फिल्म में रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है। बता दें कि फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर कर रहे हैं। फिल्म की फर्स्ट लुक की बात करें तो इसमें रणदीप हुड्डा हूबहू वीर सावरकर की तरह दिख रहे हैं। तो यहीं समाप्त होती हैं हमारी मनोरंजन जगत की खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।